वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आप सबको, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को वसीम सलाम। पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वी पाकिस्तानी आर वन नेशन एंड वी आर वेरी पीसफुल अबाउट इट। पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा शो बहुत मज़े का होता है और इंटरटेनमेंट होता है, आज भी वैसे ही होने वाला है क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरीके से है कि लोग उनको समझते हैं वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन अभी मुझे पता चला कि नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो लोग उनको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज भी है। मैं इंट्रो इस तरह करवाऊँगी, उनके अबू माशाल्लाह से हमारे जो सिंध हैं, पूरी कराची के जो हैं मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उनके आज बेटे हमारे साथ शो पे मौजूद होंगे, तो उनसे मैं जानूंगी आज उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी और उनके थोड़े अब्बू के बारे में भी जानेंगे कि अब्बू किस तरह आए, कितना टाइम हुआ अब्बू को भी, और वो पॉलिटिक्स में हैं या आना चाहते हैं या इन फ्यूचर आएंगे। तो आए हम अपने गेस्ट से आपको इंट्रो करवाते हैं। तो जी नाजीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अकबर नासिर शाह। अस्सलाम वालेकुम अकबर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। इतनी मसरूफियात होती है, इतनी बिजी लाइफ होती है, उसमें टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले अकबर ये बताइए, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है कि आप पॉलिटिक्स में हैं या आना चाहते हैं या अभी मौजूद होंगे, ये बताएं नाज़रीन को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। सेकेंडली देखें, पॉलिटिक्स से हम अलग नहीं है, माय फादर इज इन पॉलिटिक्स, माय ब्रदर इज इन पॉलिटिक्स, और हम, मैं खुद पीपल्स पार्टी को फॉलो करता हूँ, अपने चेयरमैन को, अपने को चेयरमैन को, तो पॉलिटिक्स से वास्ता जरूर है। इन ग्राउंड आई थिंक आई एम नॉट फॉर पॉलिटिक्स। अच्छा, नहीं, ये मेरा अपना ख्याल है। अच्छा, नहीं आना चाहते हैं अभी? आना चाहते इज अ डिफरेंट थिंग। और शौक है आने का? शौक इस तरह है कि मुझे सपोर्ट करने का शौक है, आई एम गुड फॉर सपोर्टिंग। मतलब रहना नहीं चाहते, बस सपोर्ट करना चाहते हैं। ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स मुझे नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। अब्बू का इतना बड़ा नाम है, इतने लोग जानते हैं, तो अब्बू के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं या अपना नाम अभी बनाना है? और बिल्कुल अब्बू के नाम से ही जाने जाते हैं और इंशाल्लाह अपना नाम भी बनाएंगे। ओके ओके। अच्छा, पॉलिटिकल बैकग्राउंड शुरू से रहा है, फैमिली से चला आ रहा है या फिर सिर्फ अब्बू रहे हैं पॉलिटिक्स में? नहीं, माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज इन पॉलिटिक्स एज वेल। ओके। वो बॉम्बे काउंसिल में जिना साहब के साथ मेंबर थे। अच्छा। उनके बाद माय ग्रैंडफादर सीर गुलाम शबीर शाह, ओहो, वो भी एमपीए थे 1970s में। ओहो, अच्छा। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली थे। उसके बाद माय फादर, देन माय ब्रदर। ओहो, चला आ रहा है, फोर्थ जनरेशन। ओके ओके। बड़े भाई पॉलिटिक्स में है? जी बिल्कुल। कुमैल? बड़े भाई है मेरे सैयद कुमैल हैदर शाह, वो पॉलिटिक्स में फ्रॉम लास्ट 14 years। ओके। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर He will be the successor. Okay, okay. अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? बेसिकली 4 भाई हैं, एक बहन है। ओके। दो भाई हैं, फिर बहन है, फिर दो भाई हैं, I'm the youngest. अच्छा, तो सब पॉलिटिक्स में? नहीं, बड़े बड़े जो भाई हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर वगैरह हर चीज वो देखते हैं। ओके। जो सेकंड मेरे भाई हैं वो बैरिस्टर हैं। ओके। एंड ही इज माशाल्लाह द यंगेस्ट बैरिस्टर एवर। ओए होए, अच्छा, नाइस। टू गेट एनरोल्ड इन सुप्रीम कोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ओहो, नाइस, गुड। ओके। अच्छा, ट्रैवलिंग का शौक है, ट्रैवलिंग करते हैं? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा शौक है। अब्बू के साथ भी करते हैं अक्सर देखा है? अब्बू के साथ मैं ट्रैवल नहीं करते। अच्छा। अकेले ज्यादा ट्रैवल करते हैं। ओके। तो ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, स्पेशली इंटरनेशनली। ओके। हाँ, काफी जगहों पे देखा भी है। घर में मेरे रूम में एक मैप है,
कहाँ कौन सा मुल्क ज्यादा पसंद है और खाने कहाँ के पसंद है ज्यादा? खाने तो पाकिस्तान के ऑब्वियसली, देसी खाने ज्यादा पसंद है, देसी फूड लवर। ओके, और दूसरी उसमें आई हैव लिव्ड इन यूके फॉर गुड 6-7 इयर्स। अच्छा, ओके, आई हैव डन माय स्टडीज देयर। ओके ओके, तो पाकिस्तान के बाद मुझे कोई मुल्क पसंद आता है तो इंग्लैंड पसंद आता है बहुत ज्यादा, मतलब वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आपने मतलब रहे ना वहाँ इंग्लैंड में काफी, तो वहाँ का आइडिया हो गया थोड़ा सा। खाने में ज्यादा क्या पसंद है, देसी खाने या चाइनीज फूड? जो आपने कहा ना क्लोज, वो हम सब भाइयों को ये समझ लेंगे, अपने लिए हम सोचते हैं, हर कोई अपने लिए सोचता है कि हम ज्यादा करीब हैं अब्बू से। अच्छा, कंपटीशन चल रहा होता है कि मैं ज्यादा हूँ अब्बू के साथ साथ। बहुत ज्यादा। अच्छा, ओके ओके, तो अब्बू ज्यादा वैसे किसको लाइक करते हैं? एक होता है ना घर में एक लौता बच्चा, हमें तो लगता है कि हर किसी को अपने लिए लगता है कि मैं ज्यादा क्लोज हूँ या मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं तो आप घर में सबसे छोटे हैं ना, तो ज्यादा लाडले भी होंगे। मामा'स बॉय। अच्छा, ज्यादा मामा से क्लोज। अच्छा, मैं ये पूछने वाली थी कि क्लोज ज्यादा बाबा से, पर आई एम मामा'स बॉय। अच्छा, मतलब मैं अम्मी का बहुत लाडला हूँ। अच्छा, तो अच्छा, एक्स्ट्रा लाडला हूँ। ओके, बाकी बाबा के लिए हम सब ये सोचते हैं कि जी हर कोई अपने लिए सोचता है कि हाँ जी हम ज्यादा करें। अच्छा, अब्बू बेसिकली अक्सर काम चेंज होता रहता है अब्बू का, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में? हमारी लाइफ में जो इफेक्ट तो कोई नहीं पड़ता, वो उनकी लाइफ में पड़ता है बेसिकली। व्हाट हैपेंस, हम बचपन से ही हमारी यही रूटीन है कि आवर फादर इज स्टिल अ सेलिब्रिटी फॉर अस एज वेल, और हमें आज भी वही उतनी बहुत कम टाइम मिलता है, तो हम वो जो टाइम मिलता है तो हम बड़े खुशी होते हैं कि हमें टाइम मिल रहा है। ओके, जो नए काम मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यू स्पोक अबाउट न्यू डिपार्टमेंट्स एंड ऑल, वो उनका काम है। ओके, और वो खुद ही उसको हैंडल बड़े अच्छे तरीके से करते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इसमें। ओके ओके, कितना टाइम हुआ अब्बू को वैसे पॉलिटिक्स में? क्या हॉबीज है, क्या करते हो फ्री टाइम में ज्यादा? मैं, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हाँ, वो तो बताया। I'm very adventurous. मुझे एडवेंचर बड़ा अच्छा लगता है, मतलब स्काई डाइविंग होगी, स्कूबा डाइविंग, और क्या कहते हैं, हॉर्स राइडिंग, कार्स, एग्जॉटिक, और ये बड़ी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। ओके ओके, अच्छा, सिक्योरिटी का बड़ा इशू होता होगा, जल्दी कहीं जा नहीं पाते होगे अब्बू से परमिशन लिए बगैर? नहीं, माशाल्लाह आवर फादर इज वेरी चिल, ही इज वेरी केयरिंग, और वो इतना वो नहीं करते। लेकिन ऐसे कहीं हर जगह पे नहीं जा सकते ना इजली, थोड़ा सा तो होता होगा। हमारा मानना है मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, दैट्स अ ट्रू, तो इतना कोई हमें पर्सनली इशू इतना नहीं होता, इतना नहीं होता। ऐसे घूमते हो तुम? हाँ, मतलब हाँ, कोई वो नहीं है कि सिक्योरिटी में जाओ या इसमें जाओ? ओके ओके, अच्छा, थोड़ा सा ये बताओ कि नया पाकिस्तान जो बना, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नया पाकिस्तान, आप देख लें गरीब की क्या हालत हो गई है। आई सी, और खान साहब ने जो जो वादे किए थे उनमें से सिर्फ एक ही पूरा हुआ। कौन सा पूरा हुआ? एक भी के तब्दीली आएगी गरीब, उन्होंने कहा था तब्दीली आएगी, उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छी तब्दीली आएगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा तब्दीली आएगी, तो आप देखें गरीब गरीब से गरीब तर हो गया, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया। बिल्कुल, एक दिन मैं एक मेरे ख्याल से किसी असेंबली का के मेंबर थे, उनकी कोई वीडियो वायरल हुई थी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा जोक सुनाया था असेंबली में, बलूचिस्तान असेंबली थी या केपी असेंबली थी, तो उन्होंने कहा कि जी और ग्राउंड से गेंद उड़ी 1,000 करोड़ नौकरियों से ऊपर से गुजर के और 1 बिलियन दरख्तों में फंस के और फिर कट्टों पे गिरी और मुर्गी के अंडे तोड़ते हुए और पानी में डूब गए। क्या बात, डैम के पानी में डूब गए। हाय हाय, क्या बात बोली, वाकई। मैं भी यही कहती हूँ यार, नया पाकिस्तान जब से बना बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो गई हैं, चीजें बिल्कुल ही चेंज हो गई हैं। इसके बारे में महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई के अलावा भी सिक्योरिटी की भी कुछ खास नहीं देखती मैं। और अभी तो एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है। क्या? कि इफ यू रिमेम्बर जब ये हजारा किलिंग्स हुई थी। नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। कुछ साल पहले हजारा किलिंग्स हुई थी बलूचिस्तान में। ओके, और उन्होंने जब कहा कि जी हमारे वजीर आजम आए और फिर हम धरना खत्म करेंगे, तो
तो आर प्राइम मिनिस्टर सेड के जी दे आर ट्राइंग टू ब्लैकमेल मी, और मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा. ओके. और अब जब टीएलपी का की बात आई है, उन्होंने अंदरून खान तरीके से उनसे मुआहदे करे, यू आर गेटिंग ब्लैकमेल, तो वेयर इज दैट इमरान खान जो कहता था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, अभी क्यों हो रहे हैं आप? या ऑब्वियसली बिल्कुल यू आर राइट, बिल्कुल. अभी तो देखो ना आप, पाकिस्तान जब से नया बना है 3 सालों में क्या आपने देखा? कुछ भी, मुझे तो नया तो कुछ भी अभी तक नजर नहीं आया. बस पुराना था उसको भी खराब कर. ओके ओके. अच्छा, रिसेंटली आपने मेरा एक शो देखा होगा, मंजूर हसन के बेटे मेरे शो पे मौजूद थे जी, हलार वसान, और उनके साथ एक और पीटीआई के मौजूद थे. तो कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हुई थी, मे बी आपने देखा हो, जिसमें उन्होंने बोला कि हम अयान अली नहीं रखते हमने क्या करते हैं. तो इस पे थोड़ा सा मुझे पॉइंट आउट था, मैंने बोला तुमसे कन्वर्सेशन करूंगा इस बारे में. ज्यादा पर्सनल तनकीद नहीं करते. हाँ. हमारी पार्टी का, हमारे चेयरमैन का गाइडलाइंस है कि आप हर किसी को अदब और तहजीब से जवाब दें, लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है. हम नहीं कहते कि आप निकाह करते हैं या कितनी देर वो निकाह चलते हैं. ठीक है, देखें, हमें कहने को लिए आपके लीडर के बारे में बहुत कुछ है, और हमें क्या कहने की जरूरत, उनकी एक्स वाइफ किताब लिख देती है. ठीक है, ऑलराइट, बिल्कुल. तो हमें इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी सबको पता भी है. पार्टी, हमारे चेयरमैन की गाइडलाइंस है कि आपको इज्जत और तहजीब में रहना चाहिए. इफ आई एड ऑन, आपको याद होगा जब ये इलेक्शन हुई, हमने भी कहा कि जी रिग्ड इलेक्शन था, सबने कहा, लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी थी जिन्होंने कहा कि हाँ इनको 100 दिन दो. बिल्कुल ऐसे ही है, हकीकत है. और इनको कोई तनकीद ना करो 100 दिन तक, कुछ भी ना करो, इनको बात करने दो कि ये करके क्या दिखाते हैं. बिल्कुल. और मुझे वो तो अभी तक, वो एक साहब थे असेंबली में बड़ा कूदते हैं. कौन कौन? और नाम नहीं लेना चाहता किसी का. नहीं नहीं, बताओ बताओ, कोई इशू नहीं है, बताओ. और वो इलेक्शन से पहले जलसे में उनकी तकरीर थी कि जिस दिन इमरान खान वजीर आजम बना, 200 अरब लाएगा, 100 अरब मुंह पे मारेगा और 100 अरब तरक्की में लगाएगा. कहाँ गए वो वादे? बिल्कुल यार, 3 सालों में तो अभी तक कुछ भी मैंने भी नहीं देखा, हकीकत है. और खान साहब कहते थे कि जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं मांगूंगा. मैं नहीं कहता कि आप खुदकुशी करें, वी आर वेरी अगेंस्ट इट, बट आप वादे याद कर लें अपने. हकीकत है, बिल्कुल सही बोलते हैं. ओके ओके, ऑलराइट. अच्छा, सिंगल हैं आप? जी बिल्कुल सिंगल है. क्यों सिंगल है ये भी बताएं थोड़ा सब तक. सिंगल इसीलिए है क्योंकि टाइम नहीं है. अच्छा, टाइम नहीं दे सकते किसी को. हाँ, टाइम नहीं है, और ऊपर से क्या कहते हैं, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक. अच्छा, अभी तक हुआ नहीं, फ्यूचर भी नहीं होने वाला. अच्छा, अगर हुआ भी तो यहाँ थोड़ी बताऊंगा. डिस्क्लोज नहीं करना चाहते. यहाँ थोड़ी बताऊंगा. ओके ओके. मोहब्बत हुई कभी जिंदगी में किसी से? वालिदैन से. उसके अलावा? भाई बहनों से. उसके अलावा? पार्टी के अलावा. एक मोहब्बत जिससे होती से. दोस्तों से. ओके ओके, ठीक है. अच्छा अकबर, मुझे आप ये बताएं, बेसिकली कराची, हैदराबाद, लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है, लोग जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि हैदराबाद और कराची में सुथेली माँ जैसा सलूक करते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताओ, ये क्या सीन है कि कुछ काम नहीं हो रहा? ये बड़ा गलत परसेप्शन है लोगों में. और मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कोई जादू की छड़ी चला दी है और पेरिस बना दिया, लंदन बना दिया है. हमें और बेहतर काम करना चाहिए था, लेकिन हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं. कर रहे हैं, हाँ, obviously. और हमारे चेयरमैन की विजन में आप देख लें, आपने हैदराबाद की बात की, पहले मैं हैदराबाद पे जवाब दे दूं. आप एक डिपार्टमेंट है हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप उनके काम देखें कि उन्होंने किस तरह काम किया है और किस तरह वो और उनके आगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं. आप कराची की बात कर रही हैं, देखें कराची इज अ बिग सिटी. मैंने कुछ दिन पहले भी एक अपनी वीडियो में कहा था कि जी हमारे पास लाहौर नहीं है, हकीकत है, इस्लामाबाद नहीं है, हमारे पास कराची है, सिर्फ कराची है. कराची इज वेरी बिग. ठीक है, और लाहौर और इस्लामाबाद को मिलाया जाए फिर भी कराची जितना नहीं बनता. हकीकत है, दैट्स अ ट्रू. ठीक है, तो कराची इज वेरी बिग, और आप देखें हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. आप NICVD देख लें, बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट है. SIUTs देख लें, हमारा प्रोजेक्ट है. और बहुत सारे हमने हेल्थ में काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम काम और करते रहते हैं, अक्सर ही रोड्स पे इधर उधर अक्सर ही काम चल ही रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. देखें हमें बहुत सारी बात ये होता है कि काम करने नहीं दिया जाता. बिल्कुल ऐसे ही है. देखें लोगों को ये नहीं पता होता कि कितने हर्डल्स होते हैं गवर्नमेंट के काम में, कितने लोग स्टे पे चले जाते हैं. देखें हमें अगर काम करना है
तो हमें काम करने दिया जाए, हम अपने तरीके से काम करेंगे, हम किसी की गाइडलाइंस पे काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, हम पीटीआई की या किसी और अपोजिशन जमात की गाइडलाइन पे काम नहीं करेंगे, हम अपने चेयरमैन की विजन पे काम करेंगे। ओके, जिस तरह हमें उनकी गाइडलाइंस है उस तरह काम करेंगे, बिल्कुल अपने हिसाब से करेंगे अपनी चीजें देखकर। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अक्सर लोग बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल होते हैं बैकग्राउंड से या अब्बू हैं या जो भी हैं, तो उनके बच्चों को बनी बनाई सियासत मिलती है प्लेट में सजी हुई, ये क्या सीन है? देखिए, ये बहुत गलत कंसेप्शन, गलत है ना। इस पे मैं दो बातें कहूंगा। पहली बात, जब एंकर का बेटा एंकर हो सकता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन हो सकता है, ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट हो सकता है, तो सियासतदान का बच्चा सियासतदान क्यों नहीं बन सकता? और दूसरी बात, देखें, सियासत सबसे मुश्किल चीज़ है। हमने अपनी फैमिली में देखा है कि बचपन से हम देख रहे हैं कि माई फादर गोज आउट एट 9 AM और 10 AM इन द मॉर्निंग एंड ही कम्स बैक एट 3 AM इन द नाइट। तो नॉट, और अगर हम भी सियासत में आना चाहें फॉर एग्जाम्पल, या किसी सियासतदान का बच्चा जो सियासत में आ रहा है, तो वो उसको भी यही करना पड़ेगा, ठीक है। सियासत मतलब देखें, बनी बनाई प्लेट पे क्या मिलता है? लोग सोचते हैं यार ये कि बस ये तो ना इन्होंने यूनिवर्सिटी में ना पॉलिटिक्स वो किया है, ना इन्होंने कॉलेज लाइफ में अपनी कुछ किया, इनको तो बनी बनाई प्लेट में सजी हुई चीजें मिल गई और इन्होंने लेकर वो आके सीट पे बैठ गए, ये लोग सोचते हैं, पता नहीं क्यों। बहुत बार लोग गलत भी सोचते हैं। मैं इसीलिए मैंने तुमसे पूछा ना कि क्लियर करो इस बात को थोड़ा सा, तुम्हारे बारे में भी सोचते होंगे ना लोग, अगर तुम आओगे इन फ्यूचर तो लोग यही कहेंगे तो तुम बनी बनाई इसको मिली थी सियासत, वो तो आगे बैठ गया। अच्छा अकबर, आपने भी महंगाई की बात की थी बेसिकली, तो ये तो चलो इसमें आ गया ना, सुभाई में आ गया, तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं काम करती? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी हो गई, इनके लिए क्यों नहीं करती पीपल्स पार्टी? देखें, महंगाई इस तरह बढ़ती है कि आपकी कुछ मसनूआत हैं जिसकी कीमत बढ़ने से बाकी मार्केट भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल बहुत ज्यादा अभी तो बढ़ गई इसकी रेट्स। हाँ, जब पेट्रोल बढ़ता है तो बाकी चीजें भी बढ़ती हैं। फॉर एग्जांपल कि जो दूध बेचता है वो दूध किस चीज में लाएगा? हाथों में तो नहीं लाता, या बाइक पे लाता है या गाड़ी पे लाता है। बिल्कुल। और जो उनको दूध मिलता है वो बाइक वाले तो नहीं आते, वो एक कंटेनर्स आते हैं, एक प्रॉपर निजाम चलता है। बिल्कुल। या अगर आप बात कर लें गोश्त पे या चीनी पे, इन चीजों पे, तो ये एक सिस्टम चलता है। बिल्कुल। जब पेट्रोल बढ़ता है तो बाकी चीजें भी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, सही है। तो ये कुछ मसनूआत होती है जो फेडरल गवर्नमेंट या वफाकी इदारे हैं उनकी तरफ से कीमत बढ़ती है, तो बाकी पूरे मुल्क में भी। लेकिन आपकी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, ये तो बहुत अरसे से सिंध के पास ही है ना। बिल्कुल। तो इतने टाइम पीरियड से क्यों नहीं कुछ किया अब तक? तो यही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो बाकी मार्केट है ये कुछ मसनूआत की वजह से और बढ़ जाती है। जो वो मसनूआत है वो सूबाई हुकूमत के अंडर नहीं आते, जैसे पेट्रोल हो गया, बिजली हो गई, ये वफाकी इदारे हैं। ओके, तो इन ये बढ़ते हैं तो बाकी मार्केट भी इन्फ्लक्चुएट होता है। ओके, मुझे इतना पता नहीं था बट अब पता चल गया। अच्छा अकबर, लोगों का ये ख्याल है कि आप लोगों की डील है एस्टेब्लिशमेंट से, ये क्या थोड़ा सा है, बताओ इसके बारे में। देखें, ये लोगों का ख्याल हो सकता है लेकिन ये बहुत सरासर गलत है। अगर हमारी डील्स होती तो हम वफाक में बैठे होते, जिनकी डील्स हैं वो तो यही बोलते हैं ना कि बस बैठ के पैसे उड़ो, इनको मिलते हैं आराम फरमा रहे हैं। जिनकी डील है वो वफाक में बैठे हुए हैं। ओके, और देखें, अगर हमारी डील्स होती तो हमारे लीडरशिप पे या हमारे रहनुमाओं पे इतने केसेस ना चल रहे होते। ये भी बात ठीक है, ठीक है। हमेशा आप देखें, हमारे लीडरान वाहिद हैं या हमारे रहनुमा वाहिद हैं जो मुल्क से भागते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। हमारे को चेयरमैन पे केसेस हैं वो भी यही हैं। या आई सी, ठीक है। अब मैडम फरियाल पे केसेस हैं, बिल्कुल वो भी यही हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली माशाल्लाह से सैयद खुर्शीद अहमद शाह बाहर आए हैं, हाँ, ठीक है। तो वो 2 साल ना कुछ प्रूवन ना कुछ, उनको उन्होंने 2 साल उनका केस चला और वो जेल में रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? बिल्कुल हकीकत है, ठीक है, ये इंसाफ नहीं है। और अगर हमारी डील्स होती तो हम पे केसेस ना चल रहे होते, हमारे रहनुमा इस तरह अंदर ना होते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये बात भी थोड़ी सी पहली भी होती है कि आप, क्योंकि कोई जलसे शलसे होते हैं उस पे जितने लोग जमा होते हैं उनको पैसे वैसे खिला के बुलवाते हैं सीन से? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था ये क्या सीन है, ये भी बताओ थोड़ा सा। ये रिवायत सिंध की नहीं है। नहीं, वो बोलते हैं कि वो बसों में जो आते हैं ना, क्राउड जो आता है उनको पैसे दे के बुलवाते हैं। देखिए, मैं आपको ये रिवायत सिंध की नहीं है और ये मीडिया ने खामखा हमें बदनाम किया है। अगर आपको याद हो तो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी
किसी पंजाब के जलसे में, वो जो खाने पे टूट पड़े थे। नहीं वो नहीं, वो तो किसी और का था। लेकिन अगर हमारा कुछ ऐसा हो तो हमारी वीडियो वायरल हो ना। नहीं, वो बोलते हैं कि एक एक पर पर्सन को ये पैसे देते हैं, जिनके जो खुद ऐसा करते हैं ना वो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, देखें जो करते हैं उनकी वीडियो वायरल हो गई। कितनी अजीब सी है ना, वो पूरा पूरा खाना गिरा हुआ और ढूंढ पड़ी आवाम। पंजाब में होता है, सिंध में नहीं होता ये, और यहाँ के लोग जो है वो रियल आते हैं, रियल कराते हैं और मोहब्बत से आते हैं। बिल्कुल। अच्छा अकबर, अगर इसकी बात की जाए पॉलिटिक्स की, तो नेक्स्ट इलेक्शन जो होने वाले, इस पे खड़े होना है? मैंने तो बोल दिया कि शौक नहीं है, नहीं आना चाहता, बस सपोर्ट करूंगा। ऐसे कोई इरादा नहीं है, नहीं है अभी, बट यू नेवर नो, किस्मत क्या करती है। अच्छा अभी मतलब कोई डिसाइडेड नहीं है ना अभी कोई चीज भी? हम हमेशा देखें लीडरशिप पे चलते हैं, जो लीडरशिप का फैसला होता है उस पे हम चलते हैं, वो किसी को भी खड़ा करेंगे हम उसको सपोर्ट कर देंगे। अच्छा तो अब्बू तो वैसे तो है ही, अब्बू कभी फोर्स नहीं करते कि आ जाओ बस अब करो मेरे साथ। मेरे वालिद की भी, मेरे भाई की भी, दे ट्राई टू ड्रैग मी इन, पर मैं अभी तक तो बच रहा हूँ, कब तक बच सकते हैं। लेकिन कब तक बचोगे, मतलब ऑब्वियसली तुम्हारे तो, तुमने बोला कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, चला आ रहा है अरसों से, तो कहीं ना कहीं तो स्टक हो ही जाओगे ऑब्वियसली। अच्छा पॉलिटिक्स में किसको ज्यादा पसंद करते हो अपनी पार्टी के अंदर? ऑब्वियसली यार, को चेयरमैन एंड आर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। ओके ओके। अच्छा ये टीवी ड्रामे वगैरह देखते हो? बहुत कम, बहुत कम देखते हो। मुझे देखा है कभी ड्रामे में? नहीं देखा कभी। नहीं, मैंने रिसेंटली, क्योंकि मैंने ड्रामे देखे नहीं है, ड्रामे नहीं देखे। लास्ट ड्रामा देखा था वो मेरे पास तुम हो। ओए, वो तो सभी ने देखा था, काफी देखा था। अच्छा किसको पसंद करते हो वैसे इंडस्ट्री में, कौन से हीरोइन पसंद है तुम्हें? पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हीरोइन? हां Obviously, यार इतनी सारी है। I like Myra Khanzuak. Okay, Myra. She works very good. और इंडियन? मैं इंडियन फिल्म्स नहीं देखता। फिल्म्स नहीं देखते? कोई से? इंडियन फिल्म्स नहीं देखता। बिल्कुल भी नहीं? नहीं, I like Hollywood, Iranians. Okay, क्रश कौन है तुम्हारा? चलो ये बताओ। कोई एक पाकिस्तान में, not out of country. पाकिस्तान बस ये मेरा हो जाए। नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो कोई पाकिस्तान कॉलेज के टाइम होता था, वो एंजेलिना जोली बड़े अच्छा है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ हाँ, उनकी मूवीज देखते थे, टॉम राइडर एंड ऑल दिस, तो वो बड़ी अच्छी लगती थी। अभी कोई कोई क्रश नहीं है? अब तो कोई क्रश। अच्छा अकबर, म्यूजिक पसंद है? म्यूजिक सुनते हो? हाँ म्यूजिक। कैसे, डीजे वाले, सैड, इमोशनल? बट क्लासिकल टाइप, मुझे नुसरत साहब के गाने अच्छे लगते हैं। ओके। और मेडिसिन साहब के एक दो गाने मैंने सुने, वो भी अच्छे लगते हैं। ओके। तो अभी क्या एज है वैसे आपकी? आई एम 27। तो अभी तो एज हो गई है पॉलिटिक्स में आने की, इजली आ सकते हो, फिर भी नहीं आना चाहते? वजह तो बताओ, क्यों नहीं आना चाहते? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई एम नॉट अ प्लानर। अच्छा। आई एम वेरी स्पॉन्टेनियस, आई एम नॉट अ मैन ऑफ टुमारो, आई एम अ मैन ऑफ टुडे। ओके ओके। मतलब जो है चलता जाए। ओके। और कल के लिए अल्लाह बैठा, ही इज द बेस्ट प्लानर। ओके, बिल्कुल ऐसा ही है, हकीकत है। शुरू से बेस्ट कराची रही है अकबर आप लोगों की? बेसिकली फ्रॉम सखर। ओके, तो मतलब यू आर कास्ट? वी आर रिजवी सैयद। ओके ओके। और उर्दू स्पीकिंग? नहीं, वी आर सिंधीज। सिंधीज। अच्छा, सिंधियों में बड़ा मशहूर होता है, जैसे आपने भी ये वेयर किया हुआ है ड्रेस, तो अक्सर यही वेयर करते हैं, पैंट शर्ट भी वेयर करते हैं यहाँ पे? मैं हमेशा ड्रेसिंग मूड पे करता हूँ कि जी क्या पहनने का मूड है, आई लाइक टू बी कम्फर्टेबल। अच्छा, कहाँ जाना है उस हिसाब से। ओके, वैसे क्या पसंद करते हैं ज्यादा वेयर करने में? जीन्स, टी शर्ट, कम्फर्टेबल रहता हूँ उसमें। ओके ओके। अच्छा अकबर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपना कोई एक मैसेज दो। वेलकम। मेरा मैसेज यूथ के लिए है कि फॉलो योर गट एंड डू पार्टिसिपेट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। पाकिस्तान पॉलिटिक्स नीड द यूथ ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट। और अपने गट पे ही सिर्फ ना चलते रहना, फैक्शन फिगर्स को भी देख लेना। और क्योंकि मुझे अंदाजा है कि फैक्शन फिगर्स चेक करेंगे तो पीपल्स पार्टी उनके दिल में आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे अकबर नासिर शाह। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई शो के साथ, एक नई गेस्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।